तो आगे बढ़ते हैं, बच्चे की उम्र और पेरेंटिंग, ध्यान से सुनना। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि बच्चे हर 3 साल में एक नया रूप दिखाते रहते हैं, आया ना, कितने लोगों ने देखा है ना? और हर 3 साल बाद जो बच्चे का नया रूप आता है तो हमें ऐसा लगता है कि पहला वाला बेटर था, ये काहे को बड़ा हो गया, है ना? मान लो 12 साल के बच्चे हो जाते तो मम्मा के साथ कहीं जाना नहीं चाहते, है ना? 10 साल वाला, 8 साल वाला बच्चा मम्मा को छोड़ना नहीं चाहता, है ना? और 12 साल वाला बच्चा मम्मा के साथ जाना नहीं चाहता। 13 साल वाला तो बोलेगा तुम तुम्हारा जाके आ जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मूवी देखने भी नहीं आता है, या ना? शो ऑफ हैंड्स, वो बोलता है तुमको जो करना है करो। फिर माँ बाप भी सोचते काश ये समझ बच्चे को तब होती जब हम थोड़े कम उम्र वाले और ये बच्चा छोटा था, तब ये छोड़ता नहीं था। कई सारी माताओं ने क्या किया पता है, करियर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कई बार, है या ना? क्योंकि बच्चे को समय देना पड़ा, बच्चा जब छोटा था। अब माँ के पास समय है, जॉब वॉब छोड़ चुके, और बच्चा बोलता है मेरे को आपका समय नहीं चाहिए, मेरे को फ्री छोड़ दो, मेरी भी कुछ प्राइवेसी है कि नहीं, है या ना? से यानी मैं अमेज हो जाता हूँ। मान लो 12-13 साल के बच्चे प्राइवेसी की बात करते हैं, मेरा भी कुछ लाइफ है कि नहीं बोलते हैं। मेरे को तो एक 7 साल की बच्ची आई मेरे पास, एंड उन्होंने कहा अंकल मेरी कंप्लेन है मेरी मम्मी के बारे में। मैं बोला क्या कंप्लेन है बेटा? बोले आप मुझे बेटा कह रहे हो बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे सब पता है, एंड मेरी मम्मी मुझे मेरा स्पेस नहीं देती। अब 7 साल की बच्ची, यानी मुझे ये पता नहीं कि उससे प्यार करूं, उसका लाड करूं या उसको समझाऊं। बोले मुझे स्पेस चाहिए। बोला कौन सा स्पेस चाहिए, है ना? नहीं 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 बोले सर मेरी मम्मी है ना हर चीज में मेरे को मेरे इसमें आती रहती है, आई नीड माई स्पेस। तो फिर मैंने उससे लिखवाया तो उसने 3-4 पॉइंट बताए, ये चीजों में मेरे को मम्मी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मैं चूज करूंगी कब कौन सा गेम खेलना है, मम्मी मुझे अननेसेसरीली बहुत सारे सजेशन देती रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट इज कि बच्चे बदलते रहते हैं, बच्चे बदलते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द आज जो मैं आपको बात करने वाला हूँ ना, ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, बेट लगाता हूँ। और अगर मिल गया तो ध्यान से सुनो, उस किताब का जो लेखक है या तो मैं रहूंगा या मेरा कोई शिष्य रहेगा, क्योंकि ये बातें पहले किसी ने नहीं बताई, एटलीस्ट इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बताई जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो नॉर्मली साइंस आपको क्या बताता है, क्या सिखाता है? मॉडर्न साइंस आपको वो बताते हैं कि इतने साल का बच्चा है तो उसने ऐसे ऐसे बात करनी चाहिए, इस उम्र में उसने चलना चाहिए, बोलते हैं ना, ये एज में उसने चलना चाहिए, इस उम्र में बात करनी चाहिए, इस एज में उसको ये करो, उसमें वो करो। अरे ये तो नेचर है, और प्लस माइनस 1-1.5 साल हर बच्चा उसी तरीके से जाता है, हाँ या ना? आप ना सिखाओ तो भी वो सीख जाएगा। अरे बेटे इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनना, आपके बच्चे के लाइफ के ना 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। ओके, जैसे मान लो हमारा घर होता है ना, डू यू नो, घर घर जब जब हम कोई भी घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, आजकल तो करते नहीं, कोई और कर लेता है, हम तो रहने जाते हैं डायरेक्ट ना, बट पुराने जमाने में जो हमारे माता पिता ने किए, उन्होंने घर बांधा था, है ना, बंगलो या जो भी है कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसका एक पहला पार्ट क्या होता है, फाउंडेशनल पार्ट होता है ना? एक होता है फाउंडेशनल पार्ट, दूसरा होता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शनल पार्ट, और तीसरा होता है डिस्प्ले का पार्ट, है ना? पहले हम बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बाद उसको सही तरीके से क्या कहते हैं, बिल्ड करते हैं, और तीसरा बार क्या है, तीसरा पार्ट है कि उसको हम प्रेजेंटेबल बनाते हैं, या ना? ओके, अब अगर मान लो कोई ये कहेगा कि मैं पहले प्रेजेंटेबल बनाता हूं और बाद में कंस्ट्रक्ट करता हूं, चलेगा क्या? इफ समवन सेज कि मैं पहले कंस्ट्रक्ट करता हूं बाद में बेस बनाता हूं, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जिस किसी को लगता है नहीं चलेगा, टाइप करे एन, टाइप करे एन, अगर नहीं चलेगा ऐसा लगता है आपको, और चलेगा तो टाइप करे सी, सी फॉर चलेगा। लेट्स सी कितने लोग जाग रहे हैं ना, तो यस मेजोरिटी लोग सी टाइप कर रहे हैं, 1-2 लोगों ने एन टाइप किया है ना? अब एन की संख्या बढ़ रही है तो कई सारे लोग टाइप कर रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद। यस, तो आज हम सीखेंगे एज अप्रोप्रिएट मॉडर्न एज पेरेंटिंग। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है मैं थोड़ा विद्रोही आदमी हूँ, है ना, थोड़ा सनकी भी हूँ, कुछ अलग बातें करता हूँ, शो ऑफ हैंड्स, अरे हक से, बुरा नहीं मानूंगा, वी आर फैमिली नाउ, है ना, तो हक से बोलना, कुछ अलग बात करता हूँ ना मैं, और आपको भी लगता है यार ये
पॉइंट तो है बट ये कभी सुना नहीं, और सुना है तो दिल है कि मानता नहीं वाला हो जाता है। मेरी बातें लोगों को अच्छी तो लगती है बट फॉलो करने के लिए ना वो, क्योंकि वो फिर से एक बार झुंड में सुरक्षा वाली फीलिंग आ जाती है। तो आज हम एज एप्रोप्रिएट पेरेंटिंग की, मॉडर्नाइज पेरेंटिंग की, 2020 में आपका एज एप्रोप्रिएट पेरेंटिंग कैसे हो, 2040 में कैसे होगा, गोइंग फॉरवर्ड आने वाले कुछ समय में उसकी बात करेंगे, चलेगा? तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। यस,